असलम ये है इंट्रोडक्शन टू साइकॉलॉजी पार्ट टू हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट वन को सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने सारी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है इसके अलावा आ, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट वन की आपको कम्प्लीट अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी uh, इसके अलावा अगर आपको फिर भी वीडियोस फ़ाइंड करने में कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल प्रोवाइड द लिंक्स और वी विल शेयर द लिंक्स विद यू आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोशन साइकोलॉजी पार्ट टू तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसकी मैंने बकायदा पूरा एक कोर्स कंटेंट शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पेज पे भी, भी इसके अलावा इस चैनल की कम्यूनिटी सेक्शन जो है वहाँ पर भी मैंने पोस्ट दे दिया था कि इंट्रोडक्शन टू तो साइकोलॉजी पार्ट टू में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू तो साइकोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट टू में कवर होंगे तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी पार्ट टू से uh, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन अगेन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट टू तो चैप्टर वन में हम डिस्कस करेंगे लेसन वन और लेसन वन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से क्योंकि जब हम डेफिनेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोटिवेशन जो है बेसिकली उसकी डेफ़िनेशन क्या है और एकॉर्डिंग टू डिफ़रेंट पीपल या मुख्तलिफ लोगों ने मोटिवेशन के बारे में क्या अपनी राय दी है क्या क्या उन्होंने मोटिवेशन को उन लोगों ने किस तरह डिफ़ाइन किया है तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड और गिलफोर्ड का कहना है कि मोटिव जो है यानी कि मोटिव यानी कि मोटिवेशन मोटिव हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर है ये कंडीशन है दैट टेंस टू इनिशिएट एंड टू सस्टेन एक्टिविटी जिसकी वजह से एक एक्टिविटी को हम इनिशियट करते हैं या सस्टेन करते हैं यानी कि हमारी एक इंटरनल कंडीशन है जिसके ज़रिए हम एक एक्टिविटी uh, को इनिशिएट करते हैं स्टार्ट करते हैं या तो फिर हम उसको सस्टेन uh, कर लेते हैं दैन अकॉर्डिंग टू बुड्स इन इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव उन्होंने कहा कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर हम इफ़ दे दैट इज़ टेकन टुगेदर जिसके ज़रिए हम एनर्जाइज होते हैं हम अपनी बिहेवियर को मैंटेन रख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं एक गोल की तरफ यानी कि हमने कोई भी गोल अचीव करना है तो उसकी तरफ हम अपनी बिहेवियर को एनर्जाइज कर सकते हैं हम मैंटेन रख सकते हैं अपने बिहेवियर को और डायरेक्ट कर सकते हैं दैन अकॉर्डिंग टू बैरन नाइनटीन नाइन्टी फाइव उन्होंने मोटिवेशन को डिफ़ाइन किया कि मोटिवेशन हमारा इंटरनल प्रोसेस है अगैन गिलफर्ड की तरह इन्होंने भी मोटिवेशन को एक इंटरनल प्रोसेस ही कंसिडर किया तो अकॉर्डिंग टू बैरन नाइनटीन नाइन्टी फाइव में उन्होंने कहा कि मोटिवेशन जो है हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते लेकिन हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं हम इसको गाइड कर सकते हैं ताकि हम अपनी यानी कि एक डायरेक्टली ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकते लेकिन इसके ज़रिए हम अपना ओवर्ड बिहेवियर या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एक्टिवेट कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं जब भी वर्ड मेंटेन का आएगा यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रख रहे हैं आप उसी बिहेवियर को मेनटेन रख पा रहे हैं दैट इज़ दैट इज़ बिकॉज ऑफ़ द मोटिवेशन ठीक है देन अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग इन्होंने डिफ़ाइन किया मोटिवेशन को कि मोटिवेशन हमारे पास एक ड्राइविंग और एक पुलिंग फोर्स है इसको ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं इसको पुलिंग फोर्स भी कह सकते हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं uh, अपनी बिहेवियर को परसिस्टेंट रख सकते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अगेन इन सब डेफिनेशनस को रीड करने के बाद जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि खुलासा जो हमारे पास है ये कंक्लूजन है ये एक डेफिनेशन जिन सब डेफिनेशन को हम that, or, uh, हमने रीड किया अकॉर्डिंग टू दैट कि द फोर्स दैट एक्ट और एक्ट ऑन और विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू इनिशिएट एंड डायरेक्ट बिहेवियर यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस हमने रीड किए उसे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि मोटिवेशन जो है हमारे पास एक फ़ोर्स है जिसके ज़रिए हम एक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म पे या विद इन एन ऑर्गेनिज़म कि जिसके जरिए हम एक बिहेवियर को इनिशिएट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं या बहुत सिंपल करके मैं बताऊँ तो मोटिवेशन यानी कि एक ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए हम एक बिहेवियर को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है देन देर आर सम वी विल बी डिस्कसिंग द नेचर ऑफ़ मोटिवेशन नेचर ऑफ़ मोटिवेशन में अगेन बिहेवियर है जिसके दैट इज़ इंटीग्रेटेड बाय नीड्स विद इन द इंडिविजुअल एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल दैट कैन सेटिसफाई नीड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मोटिवेशन यानी कि वो बिहेवियर जो नीड्स के ज़रिए अराइज़ हो रही है जिसके जरिए हम अपनी किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन साइकिल मोटिवेशन साइकिल में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक नीड होती है उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि अपनी उस नीड को मीट करने के लिए हम स्ट्राइव करते हैं हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को आ, यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को अप्रोच करते हैं देन उस इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के बाद उस गोल को हम हासिल कर लेते हैं और उस गोल को हासिल करने के बाद हमें एक रिलीफ मिलता है हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब रिलीफ मिल जाता है अगेन दूसरी नीड अराइज़ होती है और अगेन इसी तरह का ये साइकिल जो है ये चलता रहता है दिस इज़ मोटिवेशन साइकिल या मोटिवेशनल साइकिल इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज़ द नीट नीट यानी कि हमारी एक इंडिविजुअल में कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है कोई भी आ, कोई भी लैक आ जाता है लैक या डेफिशिएंसी, यानी किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है दैट इज़ नीट अब कौन सी किस्म की कमी आती है इसके दो टाइप्स हैं एक फिजियोलॉजिकल नीड है और एक सोशल नीड है फिजियोलॉजिकल नीड को आप बायोलॉजिकल नीड भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो नीड्स हैं जो कि टिश्यू नीड्स है टिश्यू नीड्स की वजह से अराइज़ होती है यानी कि खाना खाने की जरूरत जो हमें हमें पड़ जाती है फ़ूड की जो नीड होती है पानी पीने की जो नीड होती है हवा एयर की जो नीड होती है इस तरह की जितनी भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो टिश्यू नीड्स हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड दैन द नेक्स्ट वन इज सोशल नीड सोशल नीड वो नीड है दिज आर द नीड ऑफ अफेक्शन रिकोगनीशन प्रस्टीज और uh, इस तरह की जो सोशल नीड्स होती हैं उसको हम कहते हैं दीज आर आल्सो इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ या टाइप ऑफ नीड अब सोशल नीड में क्या है कि हमें अफेक्शन चाहिए यानी कि दूसरों से अफेक्शन चाहिए हमें रिकोगशन चाहिए हमारी अपनी पहचान हो देन दे प्रस्टिज के हमारी अपनी एक इज्जत हो वक़ार हो ठीक है दीज आर सोशल नीड जो हम अपनी सोशल वर्ल्ड से लेना चाह रहे होते हैं दैन द नेक्स्ट वन इज़ इंस्ट्रोमेंटल बिहेवियर अगेन हमारी जो नीड्स थे जिसकी हमने टाइप्स डिस्कस कर ली एक फिजिजिकल नीड्स थे जो कि बायोलॉजिकल नीड भी हम उसको कहते हैं दैन सोशल नीड है जिसमें हमने ये बाकी चीज़ें डिस्कस की हमारे सोशल वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है अब इस तरह टाइप की नीड के लिए बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज uh, है वो है इंस्ट्रमेंटल बिहेवियर यानी कि इस नीड को सेटिसफाई करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर स्टार्ट कर लेंगे स्ट्रा, स्ट्राइव करेंगे स्ट्राइव करने के बाद फिर हम वो स्ट्राइविंग uh, में क्या है हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो आप जद्दोजहद कर रहे हो अब इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या है इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर यानी कि कोई सी इस तरह की बिहेवियर जो कि इंस्ट्रूमेंटल है आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या आपकी ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए या आपकी मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा बच्चा है उसको चाहिए फूड अब फूड हासिल करने के लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो अप्लाई करेगा वो है रोना क्राइंग क्राइंग जो है वो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर है फ़ूड लेने के लिए अब वो बच्चा रोएगा तभी मदर को पता चलेगा कि हाँ इसको भूख लगी है तो उसको खाना देगा तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं आप वॉक कर रहे हैं आप दौड़ रहे हैं कोई सा भी इस तरह का बिहेवियर जो आपके गोल तक रीच करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर रहे हैं दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर अब आपने इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी अप्लाई कर लिया देन नेक्स्ट the जो स्टेज uh, है मोटिवेशनल साइकिल में दैट इज गोल गोल एंड इंसेंटिव अब बिहेवियर क्या है हमारा बिहेवियर जो है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल और जब हम उस गोल को अचीव कर लेते तभी हमारी नीड या ड्राइव या मोटिव जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो हंगरी है यानी कि उसको भूख लगी है. अब उसका गोल क्या है खाना खाना गोल जो है आपकी नीड पे ही बेस्ड होती है आपकी नीड क्या है आपको भूख लगी है आपको खाना चाहिए तो आपका गोल क्या है खाना खाना फ़ूड है आपका गोल फूड को आप खा लें अब उस फूड तक तो पहुंचने के लिए आप स्ट्राइव करें आप जो इंस्ट्रोमेंटल बिहेवियर अप्लाई करें आप अपने गोल तक अचीव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं अब जब आपने अपने, अपने गोल को हासिल कर लिया है देन द लास्ट वन इज़ रिलीफ गोल अचीव हो गई है बॉडी की टिश्यू नीड्स जो हैं उस बॉडी की जो टिश्यू नीड्स हैं वो फुलफिल्ड हो गए हैं अगेन अगर आपकी कोई सोशल नीड है वो फुलफिल हो गई इसके बाद क्या है एक रिलीफ मिल गई सेटिसफैक्शन हो गई है गोल अटेंड करने के बाद या गोल अटेंडमेंट के बाद आपको एक सेटिसफैक्शन मिल गई दैट इज रिलीफ और इसके बाद फिर दूसरी नीड अराइज़ होती है और इसी तरह जो है ये मोटिवेशनल साइकिल जो है कॉन्टीन्यू रहता है चलता रहता है ठीक है देन द नेक्स्ट वन इज़ करक्टरिस्टिक्स करेक्टरस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन या मोटिवेटेड बिहेवियर हमारी मोटिवेटेड बिहेवियर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है या हमारी आ, या मोटिवेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशन इज़ एन आंसर टू वाई ऑफ बिहेवियर मोटिवेशन क्या आपके बिहेवियर को आंसर करें कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मोटिवेशन आप मोटिवेटेड हैं तो इसलिए आप एक बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं ना फॉर एग्जांपल एक बंदा दौड़ रहा है अब वो क्यों दौड़ रहा है वो इसलिए दौड़ा है शायद वो किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहा है इसलिए दौड़ रहा है या तो फिर उसके पीछे कोई पड़ा है तो उससे वो अपने आप को महफूज करना चाह रहा है तो इसलिए वो दौड़ रहा है तो दिस इज़ वाई ऑफ अ बिहेवियर देन द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल प्रोसेस दैट कैंट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व मोटिवेशन वो इंटरनल प्रोसेस है जिसको आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं मोटिवेशन जो है आपके पास अनरजाइजर है एक्टिवेटर है यानी कि आ, कोई भी बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इनर्जाइज हो जाते हैं आप एक्टिवेट हो जाते हैं एक बंदे को एरोज़ करता है कि वो कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करें यानी कि अगेन अगर वही एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि एक बंदे को भूख लगी है तो तभी वो एक्टिवेट होगा वो एनर्जाइज होगा वो उठेगा फ्रिज की तरफ जाएगा अपने लिए कोई खाना उठाएगा तो मोटिवेशन इज़ एन एनर्जाइजर या एक्टिवेटर देन द लास्ट वन इज मोटिवेशन सॉरी फोर्थ वन इज मोटिवेशन डायरेक्ट फॉर बिहेवियर टू बिहेवियर सो दैट अप्रोप्रिएट गोल्स आर रीच्ड अब मोटिवेशन क्या है हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे हैं मोटिवेशन के जरिए हम अपने किसी बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते हैं ताकि अपने गोल को अटेन कर सके अपने गोल को रीच कर सके फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसको भूख लगी है तो दर्सन नीड्स फूड अब इसी बिहेवियर को वो फोकस कर रहा होता है और वो अपने फूड को हासिल कर रहे हैं दैन द नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्स एंड मोटिवेशन प्रोसेस आर जनरली ओवरड जिस तरह मैंने कहा कि मोटिवेशन जो है हमारा कोवर्ड बिहेवियर है यानी कि मोटिवेशन को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते क्योंकि एक इंटरनल प्रोसेस है लेकिन मोटिवेशन के जरिए हम जो रिस्पॉन्स देते हैं हम जो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं वो ऑवर्ड होते हैं उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन ऑलवेज गोल ओरिएंटेड अगेन मोटिवेशन तभी होगी जब आपका एक गोल होगा आप उसकी तरफ uh, 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 मोटिवेटेड होंगे तो आप उस गोल को अचीव करना चाह रहे होंगे तो मोटिवेशन इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन के पीछे अगेन हर एक गोल के पीछे एक मोटिवेशन होती है आप मोटिवेटेड होते तभी आप उस गोल को अचीव कर रहे होते हैं देन मोटिवेशन या मोटिवेशन या मोटिवेटेड बिहेवियर टेंट टू परसिस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन आप persistence से शो कर रहे होते हैं मोटिवेशन के ज़रिए क्या होता है कि आपका बिहेवियर जो है वो परसिस्ट रहता है uh, जो कि जिसके ज़रिए या मोटिवेशन के जरिए आप एक बिहेवियर को बार 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 परफॉर्म करते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेस्ट पास करना है आप मोटिवेटेड है उस टेस्ट को पास करने के लिए आप रेगुलर जो है अपनी बुक को रीड करेंगे रेगुलर जो है आप, आप स्टडी करेंगे दैट इज़ कि आप अपनी बिहेवियर में परसिस्टेंसी शो कर रहे हैं नव मोटिवेशन बिहेवियर टेन टू परसिस्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन रेगुलेट्स बिहेवियर बाई इनिशियरिंग इट वन इट इज़ नीडिड फॉर अप्रोप्रिएट एंड टर्मिनेटिंग इट वन द गोल हैज़ रीच्ड यह भी एक आपके पास आ सकता है एक आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि मोटिवेशन के जरिए आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं मोटिवेशन रेगुलेट्स बिहेवियर अब उस बिहेवियर को रेगुलेट करके या तो आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं एक बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं एक काम स्टार्ट कर लेते हैं या तो फिर आप उसको टर्मिनेट कर लेते हैं यानी कि आप वो काम नहीं करते हैं। ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें अब ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते आप मोटिवेटेड हैं दैट कैन बी एन अनहेल्दी एक्टिविटी और अनहेल्दी बिहेवियर फॉर एग्जांपल आपका मोटिवेश आप मोटिवेटेड हैं कि आप वेट लूज़ करें आप स्लिम हो जाए तो आप क्या कहेंगे क्या करेंगे कुछ इस तरह का बिहेवियर जो कि आपको uh, वेट uh, गेन करने की तरफ़ लेके जा रहा है या जिसके ज़रिए आपका वेट गेन हो रहा है तो आप उस बिहेवियर को फिर नहीं परफॉर्म करते हैं आप उसको टर्मिनेट कर लेते हैं दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ अ बिहेवियर क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं तो आप एक बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं और उसके ज़रिए जो है आप किसी बिहेवियर को टर्मिनेट कर रहे हैं और आप स्लिम होना चाहते हैं तो आप क्या करें डाइट कर रहे हैं तो आप वो वाली बिहेवियर जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं दैन अगेन एनर्जी मोबिलाइजेशन है कभी भी वन एवर देयर इज एमरजेंसी जो थ्रेटनिंग हो या किसी गोल को अचीव करना हो तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है वो आपकी मोटिवेशन के ज़रिए आती है देन वेरिएबिलिटी है बिकॉज देर इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजेस एंड वेरिएशन देर आर प्रोड्यूसड इन मोटिव इन दू ऑफ अटेनमेंट ऑफ कोल्ड किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यानी कि आप चेंज कॉन्टीन्यूस चेंज़ेस या वेरिएशन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोटिवेशन के जरिए uh, एक मोटिवेटेड पर्सन या एक मोटिवेटेड बंदा जो है वो कोशिश करेगा कि uh, वो ट्राई भी करेगा वो अपने वेज या अपने तरीके चेंज भी करेगा अपने बिहेवियर में वो वेरिएबिलिटी लाएगा ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो, uh, जो है वो एथलीट है या फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो कोई रेस जो है उसको विन करना चाह रहा है तो उसके लिए वो अपने बिहेवियर में वेरिएबिलिटी ला रहा होता है वो डिफ़रेंट तरीके अप्लाई करेगा डिफरेंट वेज अप्लाई करेगा कि वो किस तरह अपने रेस को जीत सकता है इसके अलावा अगर एक साइंटिस्ट है वो मोटिवेटेड है कि उसका कोई ए, उसकी कोई अच्छी सी डिस्कवरी हो तो वो आ, उसके लिए डिफरेंट बिहेवियर या डिफरेंट वेज अप्लाई करते हैं वेरिएबिलिटी लाते हैं अपने बिहेवियर में वेरिएबिलिटी का मतलब ही है चेंज change, चेंजेस ठीक है देन द नेक्स्ट वन इज रेस्टलेसनेस अब एक बंदा मोटिवेटेड है तो वो रेस्टलेसनेस होगा वो कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा वो कभी भी आराम से नहीं बैठेगा बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन बिकॉज ऑफ द मोटिव दैट पर्सन हैव टू अचीव हिज गोल वो बंदा मोटिवेटेड है अपने गोल को हासिल करना चाहता है तो अपने बिहेवियर में रेस्टलेसनेस शो कर रहा होता है क्योंकि वो बंदा मोटिवेटेड है अपने गोल को अचीव करना चाह रहा है और यही रेस्टलेसनेस की वजह से वो डिफ़रेंट वेज अप्लाई करता है कुछ बिहेवियर को वो स्टार्ट करता है कुछ को टर्मिनेट करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर ले तो मोटिवेटेड बंदा या मोटिवेशन जो है वो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी गोल को अचीव करना चाह रहा है तो जब तक उसने वो गोल अचीव ना किया हो तो उसकी बिहेवियर में एक रेस्टलेसनेस होती है बेचैनी होती है उसको सुकून नहीं मिलता है ताकि जब तक उसको अपना गोल ना मिल जाए तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर ये थी आज की वीडियो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप वीडियो को लाइक करें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो कन्फ्यूजिंग था आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलेगी इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें चैनल के लिंक के अपने चैनल के लिंक्स को अपने आ, आ, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग और तब तक तो के लिए अल्लाह हाफ